सोलन के माल रोड पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें हिमाचल की बेटी कंगना रनौत पर शिवसेना द्वारा की जा रही ओछी राजनीति को लेकर स्थानीय लोगों से समर्थन मांगा गया। ये अभियान महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रेशमधर सूद की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर भाजपा खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलोरिया, भाजपा नेता राजेश कश्यप विशेष रूप से मौजूद रहे। हस्ताक्षर अभियान में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और हस्ताक्षर कर शिवसेना के खिलाफ रोष भी व्यक्त किया। नेताओं ने कहा कि शिवसेना की सरकार हिमाचल की बेटी कंगना के ऊपर अत्याचार कर रही है, जो कतई सहन नहीं किया जाएगा। हिमाचल की महिलाएं कंगना रनौत के साथ मजबूती के साथ खड़ी हैं, इसलिए महिला मोर्चा द्वारा कंगना हम आपके साथ हैं अभियान चलाया गया, जिसमें प्रदेशवासी अपना हस्ताक्षर कर ये जता रहे हैं कि कंगना रनौत शिवसेना के खिलाफ अकेली नहीं है, बल्कि पूरा प्रदेश और उसकी जनता उसके साथ खड़ी है। देवभूमि हिमाचल की देवी कंगना रनौत मणिकर्णिका हिमाचल प्रदेश के ऊपर जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार, जो कि कांग्रेस और शिवसेना की सरकार है, उसने आघात किया है, उसका विरोध करने के लिए आज महिला मोर्चा सोलन की ओर से यहाँ पे एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया है। और इसमें हजारों ही जो लोग हैं, उस सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से हम माननीय राष्ट्रपति तक ये संदेश पहुँचाएंगे कि जो ये सरकार है कांग्रेस की और शिवसेना की, जो इतने जुल्मों सितम ढा रही है एक महिला के ऊपर, एक देवी के ऊपर, उसको तुरंत जो है बर्खास्त करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। हिमाचल की बेटी, हिमालय की बेटी और हमारी संघर्षशील बेटी, जिसने मुंबई में एक मुकाम हासिल किया, जिसने मुंबई में अपना स्थान बनाया, आज उसके लिए हम सारी जनता सॉलिडरिटी के साथ खड़ी है। हम समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी बहू बेटियों के ऊपर अगर आंच आती है तो हम सब लोग एक साथ उस आवाज़ को उठाने की शिद्दत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। आज यहाँ पर हिमाचल की बेटी कंगना, हम आपके साथ हैं, एक मुहिम सिग्नेचर के माध्यम से चलाई जा रही है, जिसमें जनता जो है वो अपने आप आकर आगे बढ़कर सिग्नेचर कर रही है। और वो इससे ये दर्शाता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारी हिमाचल के लोग जो दिल के भोले होते हैं, मन के साफ होते हैं, वो कंगना के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और आने वाले समय में उसकी ताकत बनकर उभरेंगे। तो जैसे कि गुड़िया को भी इंसाफ दिलाने के लिए क्या असर होगा? गुड़िया के लिए भी आपको याद होगा, जब गुड़िया कांड हुआ था तो हम महिलाओं ने उनके लिए आवाज़ उठाई थी। अब कानूनी प्रक्रिया चल रही है तो उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। हम किसी के साथ भी अगर अन्याय होता है, उसके लिए हम सब लोग, सब बहनें एक दूसरे के साथ एकजुट हैं। कंगना रनौत के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि वो हिमाचल की शेरनी है और एक शेरनी की दहाड़ इतनी तेज दहाड़ थी कि जिसने कि महाराष्ट्र सरकार की चूल्हे तक हिला दी हैं। और इस टाइम जो महाराष्ट्र सरकार का जो सिंबल है वो एक टाइगर का सिंबल है, मैं नहीं समझती हूँ कि वहाँ पर टाइगर हैं, हमारी हिमाचल की शेरनी की आगे वो तो सारे कागजी शेर ही साबित हो रहे हैं, जो कि एक मध्यम वर्ग के 16 साल की उम्र में जो लड़की यहाँ से हिमाचल से अपना मेहनत करके आशियाना बनाती है और एक सरकार जो है वो पैसे के दम पर और अपनी ताकत के दम पर उस बच्ची को हराश कर रही है,